लिविंग हैप्पी में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, माँ दुर्गा आपको अपनी नौ भुजाओं से बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, सुख, स्वास्थ्य, दौलत, अभिजीत, निर्भीकता, संपन्नता, ये सब आपको मिले। शांति अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा, आतंकी रावण का दहन करने आज फिर राम को आना होगा। अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार का विजय, क्रोध पर दया क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, रावण पर राम की विजय के प्रतीक पावन इस पर्व विजयदशमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम जानते हैं कि इस दुर्गा पूजा, दशहरा, विजयदशमी के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। दशहरे का यह पर्व प्रत्येक देशवासी के लिए सहायक है, क्योंकि इससे हमें कई चीज से सीख मिलती है। अन्याय अत्याचार को सहने वाला व्यक्ति अधिक दोषी है बनिस्पत उसके जो वे अत्याचार करते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को बल प्रदान करने वाला एकमात्र पर्व है। दशहरे पर रावण वध यह स्पष्ट करता है कि किसी के द्वारा भी अत्याचार अधिक देर तक नहीं चल सकता, उसका अंत एक दिन निश्चित होता है। इसीलिए अत्याचारियों को स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दशहरा का त्योहार हमारी भारतीय परंपरा, गौरव और संस्कृति का प्रत्यक्षीकरण कराता है। यह राष्ट्र के उत्थान के लिए अति आवश्यक है। यह उत्सव हमें शिक्षा देता है कि जीवन में राम के चरित्रों और आदर्शों का अनुसरण करें, न कि रावण का, तभी हमारी जीवन सुखी व शांत रह सकती है। मित्रों, हमें अपने व्यवहार को टटोलना है, आकलन करना है कि कहीं न कहीं हमारे दिनचर्या में कहीं कुछ रावण के गुण तो नहीं आ रहे हैं, हम राम के गुण से कहीं डेविएट तो नहीं हो जा रहे हैं, हमारे हर आचरण राम के गुणों से मैच होने चाहिए। मित्रों, इन्हीं सभी गुणों को बखान करके अपने आचरण में लाने के लिए, याद दिलाने के लिए हम यह विजयादशमी पर्व मनाते हैं। और इसका मनाने का प्रमुख उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब हम इसे आचरण में लाएंगे। रावण ने पर स्त्री सीता मैया का हरण किया था, इस तरह से कई बुराइयां थी उनमें, रावण में, इन सबों का आकलन हमें करना है। मित्रों, हमें आत्म अवलोकन करना है और तभी हम धार्मिक बन सकते हैं। और इस विजयादशमी मनाने के पीछे हम इसके सारे लाभ उठा सकते हैं। हम इन राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक महान पर्वों को अधिकाधिक प्रसन्नता और उल्लास से मनाते हैं। समाज में सहानुभूति और संवेदना का प्रचार करना चाहिए हमें, और पशु बलि जैसे बुरी प्रथाओं का हमें तो अंत ही कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि इन शुभ पर्वों से शिक्षा ग्रहण करें और उत्साहों का आयोजन कर अपने गौरव की और भी वृद्धि करें। तो मित्रों, आज आपने इस लघु वीडियो में देखा यह दशहरा पर्व हर वर्ष युगों युगों से आ रहा है और हम बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं, और इसके पीछे छिपे हुए नीति को, उद्देश्य को समझते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं और राम के यथासंभव हर गुण को अपनाते हैं, सराहना करते हैं। यही संकल्प लेने का आज दिन है इस नवरात्रि के अवसर पर। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।